गाइस कैसे हो आप लोग। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का इस वाली वीडियो पे। तो गाइस पहले मैं ज़्यादा कुछ नहीं सुनूंगा, आप लोग पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप कर दो। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, जब तक आपका मन ना करे कर दो यार, प्लीज़ यार कर दो यार, जल्द से जल्द बैठ के करने है यार, प्लीज़ कर दो। ठीक है चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को वो V43 के सारे अपडेट्स बता दिया, अब मैं आपको ना कुछ कन्फर्म अपडेट्स बता देता हूँ जो 100% ही आएंगे। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो सबसे पहला अपडेट है वो है, मैंने आप लोगों को आज से करीब 2 दिन वाली पहले की वीडियो में बताया था, 2 से 3 दिन हो गए वीडियो आए लॉन्ग वाली, उसमें बताया था फ्री फायर इंडिया आर यू रेडी फॉर एक्सबॉक्स अनाउंसमेंट। मतलब एक अनाउंसमेंट होने वाली थी 19 जनवरी को, पर ग्रीना ने हमारे साथ कर दिया मोए मोए। अभी मोए मोए का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो ग्रीना ने हमारे साथ मोए मोए कर दिया। तो नहीं आया, अगर अभी नहीं आता है ना, देखो आज या कल के अंदर नहीं आता है तो फिर तो भूल ही जाओ कि जनवरी में आने वाला है। अब आगे की तो फ्यूचर की तो मैं भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। जब तक ग्रीना की ऑफिशियल से कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती ना, जब तक तो कुछ नहीं बोल सकते। जब तक सिर्फ करते रहो मोए मोए। देखो गाइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है बात, तो अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि हमारा OB43 अपडेट। तो हमारा OB43 अपडेट आने वाला है 24 जनवरी को सुबह के 9:30 बजे। और मैं आपको बता दिया, ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई, तो अपन लोग चलते हैं, अपन बढ़ते हैं अब 100% कन्फर्म अपडेट्स की तरफ। तो ये देखो यहाँ पर आप लोगों को, ये देखो ये वाली क्लिप में आपको कुछ दिख रहा है भाई, क्या कहना मतलब क्या है कि भाई पहले भी 3-4 वीडियो में बता चुका हूँ, 2 वीडियो में बताया मैंने, ज़्यादा में नहीं बताया। देखो आप लोग ज़्यादा मत जोड़ा करो। हाँ तो इसमें आपको कुछ अननोन दिख रहा है, हाँ हाथ में UMP। अब भाई गन लेके उतरते हैं ना, तो मतलब UMP की एक अलग ही बात होती है, अलग ही फीलिंग देती है। मतलब उतरते बैटल रॉयल में धड़ाधड़ बंदों को निपटा के निकल जाओ, एक बस इसी चीज़ का। भाई कभी कभार ना कुटपिट भी जाते हैं अपन, गन नहीं होती है तो। तो हमारा जो नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, तो वो है हमारा स्पॉन आइलैंड। अब स्पॉन आइलैंड को गाइस 1.5 साल हो गए यार, प्लीज़ ग्रीना चेंज कर दो इसे यार। गाइस गालियां देने का मन करता है, जिस किसी को भी ग्रीना को भली बुरी सुनानी हो ना तो कमेंट सेक्शन में सुना सकता है। स्पॉन आइलैंड के चक्कर में यार चेंज ही नहीं कर रहा यार ग्रीना का, क्या है यार ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अब नेक्स्ट जो कन्फर्म अपडेट है वो है हमारे थॉमसन कैरेक्टर, यानी कि ये कुछ कैरेक्टर, इसका नाम याद मेरे को नहीं, पर ये कुछ अलग एबिलिटीज़ के साथ आया है लौट के। अब लोग आप लोग ना पहले ज़मीन पे उतर जाओगे, उसके बाद में वापस से इसकी एबिलिटी को यूज़ करके आप ऊपर आ सकते हो। तो मतलब डबल एक्टिव स्किल्स का काम करेगा ये, एक बहुत तगड़ी एबिलिटी होगी इसकी, वही मज़ा आ जाएगा। इसका यूज़ ना ज़्यादातर वहाँ कर सकते हैं अपन, जैसे मतलब बीमा शक्ति पे गए UMP तो लेकर जाएंगे सही, इसका यूज़ करके नीचे उतर जाएंगे, फिर नीचे से गन लूटे और वापस ऊपर आ जाएंगे। तो मतलब या आप लोग भाई तू हमें कैंपिंग क्यों सिखा रहा है, भाई कैंपिंग तू भी लगता है पक्का कैंपिंग ही करता हुआ, नहीं गाई कम कैंपिंग करता यार मैं यार बहुत हूँ यार, बुरा मान जाते हो यार। तो चलो वीडियो को अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो अब बात करते हैं कि OB43 या फिर OB41। अब देखो जो प्लेयर्स बांग्लादेश से देख रहे हो, देखो गैस आप लोग इस चीज़ को छोड़ो, ये आपके काम की टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ इंडिया वालों के लिए होगी अगर फ्री फायर इंडिया रिलीज़ हो जाता है, वरना हमारे पास OB43 तो है ही, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं, अगर आ जाता है तो ठीक है। तो ये और अपन लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो वो है, ये कुछ गन्स है जिनके अंदर ग्रीना ने चेंजेस कर दिए हैं, मतलब ग्रीना ने चेंज कर दिया है इनको, अब इनके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, मतलब किसी का मतलब इनको एडजस्टमेंट कर दिया गया है, किसी को बढ़ा दी, किसी की स्पीड बढ़ा दी गई है, किसी की रेट ऑफ फायर घटा दिया गया है, किसी का डैमेज बढ़ा दिया। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, इन सबको समझा देता हूँ। तो ये हमारी टॉर्जन गन, इसका रेट जिसके अंदर पहले 12 गोलियां लोड होती थी तो अब 9 गोलियां लोड होंगी, और इसका जो रेट ऑफ फायर था उसको भी 5% डिक्रीज कर दिया गया है, यानी कम। भाई इसको यूज़ भी करता है क्या कोई। और हमारी जो नेक्स्ट गन है वो है G36। अब ये गन की पूछो ना भाई, ये भी एक बहुत ओवर पावर्ड गन है भाई। देखो जिस टाइम पर जरूरत हो उस टाइम पर जो मिल जाए वही सही है,
तो ये गन्स भी उनमें से ही है, तो इसकी भी एबिलिटी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत घटाई गई है। और इसका मतलब रेट ऑफ फायर कम कर दिया गया है, और इसकी फायरिंग और इसका डैमेज को 5% बढ़ा दिया गया है, तो ये और बढ़िया चलेगी। और हमारी जो नेक्स्ट गन है वो है किंग पिस्टल। भाई इस गन की तो पूछो मत, हो इस गन को गरीना वालों ने पहले खुल के मार ली इसकी, फिर इसको बढ़ा दिया। ये गरीना का यही होता है, हर बार किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं फिर किसी चीज़ को घटा देते हैं। बस इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट किया गया, पहले इसकी एबिलिटी बढ़ा दी थी, अब फिर से घटा दी है, अब फिर कुछ और बढ़ा देंगे। बस इनका ये चलता है, इसमें ज़्यादा नहीं 5% डैमेज बढ़ाया गया है और इसका रेट ऑफ फायर 5% डिक्रीज कर दिया गया है। इसमें यही चेंजेस था। तो अपन अब बढ़ते हैं M500 की ओर। तो M500 ये भी ना गाइस हेड शॉट मारने की सबसे तगड़ी गन है। अगर कूल पेकर और ड्रेसर टिकल के बाद अगर कोई वन एंड ओनली फेवरेट गन्स आती है ना हेड शॉट में, मतलब वन टैप में, तो यही आती है M500। इसकी भी एबिलिटी बढ़ा दी गई है, इसका डैमेज 5% बढ़ा दिया गया है। मतलब जहाँ पहले 180 का हेड शॉट लगता था ना, अब 200 प्लस का लगेगा। तो ये और भी अच्छी होने वाली है, अब गन आगे देखते हैं। अब बात करते हैं VSS की। तो ये पहले तुस गन चलती थी ना, अब इसका रेट ऑफ फायर बढ़ा दिया गया है 10% और इसका डैमेज को डिक्रीज कर दिया गया है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे अपडेट्स दिए गए हैं। और अब बात करते हैं हमारी M60 की। तो इसका जो एबिलिटी है ना, इसको रेट ऑफ फायर को 20% कम कर दिया गया है। उसका जो एक्यूरेसी टाइम है, मतलब एक्यूरेसी, उसे 5% डिक्रीज कर दिया गया है। क्योंकि अब ये चीज़ ना, भाई आप लोग बोलते हो कि भाई हम इसमें चिप लगा के अपग्रेड कर लेंगे, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गरीना ने चिप का वाला सिस्टम में भी ये चेंजेस कर दिए हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बाकी जो अपडेट है वो सब नॉर्मल है, तो उन सबको जाने का कोई मतलब नहीं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। देखो आ जाया करो यार वीडियो देखने यार। हाँ भाई तू ही तो व्यूज़ के लिए करते हैं। देखो वो बात नहीं, वो मजाक नहीं यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम।